Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well. Okay, so let's continue our chapter. Please take out your book and open page number 7. With last paragraph, that is, large areas of land on the earth surface are called continents. जो लार्ज एरिया होते हैं अर्थ सरफेस पे उसको हम कंटिनेंट्स कहते हैं. यहाँ पर 7 कंटिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ साइज. 7 कंटिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ साइज. एशिया लीड्स द लिस्ट ऑफ. एशिया सबसे ऊपर है साइज के मामले में. कंटिनेंट फॉलोड बाय फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ इज़ नॉट ए स्टेशनरी. अर्थ जो है एक जगह पे नहीं रहती है. इट मूव्स इन टू वेज. ये दो तरीके से घूमती है. ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट्स ऑन ऑर्बिट अराउंड द सन. मतलब एक तो खुद के एक्सिस पे ये राउंड लगाती है और एक अराउंड द सन. लाइक मान लीजिए ये सन है, ये सन है, इसके चारों तरफ एक राउंड लगाती है और एक अर्थ खुद के ही एक्सिस पे राउंड लगाती है. तो मतलब अर्थ दो तरीके से घूमती है, खुद के एक्सिस पे और एक अर्थ के, सॉरी, सन के चारों तरफ. सो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. दीज मूवमेंट कॉज डेज एंड नाइट. और इसी वजह से दिन और रात होते हैं और सीजन्स चेंज होते हैं. रोटेशन. अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जब खुद के ही एक्सिस पे स्पिन करती है और पूरा रोटेशन कंप्लीट करके 24 आवर्स वो लगता है उसको पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में. मतलब यहाँ से वो स्टार्ट करेगी खुद के एक्सिस पे घूम के, वो 24 आवर्स में फिर खुद की जगह आ जाती है. एज इट स्पिन्स वन हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन. और जब वो स्पिन करती है तो उसका जो फर्स्ट हाफ होता है अर्थ का वो सन की तरफ होता है, तो इसलिए उसको लाइट मिलती है और दिन होता है. और जो दूसरा हाफ होता है वो दूर होता है सन से और इस वजह से रात होती है. एज द अर्थ स्पिन्स कंटिन्यूसली द चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट गोज ऑन. जो अर्थ होती है वो कंटिन्यूसली चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ नहीं, खुद के ही एक्सिस पे, तो इस वजह से दिन और रात होते हैं. द चेंज द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करती है और इसलिए जो सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है और सेट होता है वो वेस्ट में होता है. द सन डज नॉट मूव अक्रॉस द स्काई. हमको लगता है कि सन पहले मूव करता है स्काई में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. मूव क्या करती है? अर्थ. द सन सीम्स टू मूव ओनली बिकॉज वी लुक एट इट फ्रॉम द अर्थ. सन सिर्फ हमें इसलिए घूमता हुआ नज़र आता है क्योंकि हम उसको अर्थ से देखते हैं. रिवॉल्यूशन. बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सिर्फ खुद के एक्सिस पे घूमने के अलावा जो अर्थ है वो सन के अराउंड भी चक्कर लगाती है. इट मूव्स अलॉन्ग ए फिक्स पाथ अराउंड द सन. वो फिक्स पाथ, जैसे कि ये इसका पाथ है तो ये फॉलो करती है. This fixed path is called orbit. और इसी fixed path को क्या कहते हैं हम? Orbit. Path यानी रास्ता. The Earth's orbit is elliptical in shape. The Earth takes 365 1/4 day to complete one revolution. मतलब अर्थ को कितना लगता है? 365. एक वन ईयर में कितने डेज होते हैं? 365. लेकिन एक ईयर ऐसा आता है जिसमें 366 डेज होते हैं. क्यों? क्योंकि 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, चार 1/4 मिलके वन डे कंप्लीट करता है, इसलिए चार साल में एक बार 366 डेज होते हैं. द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ चेंज इन सीजन. जो अर्थ मूव करती है सन अराउंड, मतलब जो अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, इसी वजह से सीजन में चेंज होते हैं. नाउ मूव ऑन टू द, नाउ आई नो, लेट्स कंक्लूड द चैप्टर. द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. जो अर्थ है वो यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ ऑन इट. ये सिर्फ इकलौता प्लैनेट है जिसपे कि लाइफ एग्जिस्ट करती है. लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन.
लाइफ इसलिए पॉसिबल है अर्थ पे क्योंकि यहाँ पर एयर की प्रेजेंस होती है, वाटर की प्रेजेंस होती है और क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है। रोटेशन और रेवोल्यूशन आपने पढ़े अभी, दोनों चीज़ समझी। दो मूवमेंट्स होते हैं, रोटेशन यानी खुद के ही एक्सिस पे घूमना और 24 आवर कंप्लीट करना, और रिवॉल्यूशन यानी पूरे सन के चक्कर लगाना और 365 डेज में पूरे सन के राउंड लगाना। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, वेयर एज रिवॉल्यूशन कॉजेज द चेंज इन सीजन। रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं और रिवॉल्यूशन से सीजन्स में चेंज होता है। यहाँ पर 7 कंटिनेंट्स हैं एंड 5 ओशियंस है। ओके, सो वी कंप्लीट अवर चैप्टर। नाउ फॉर टुडे योर होमवर्क इज जस्ट लर्न द नेम ऑफ द 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशियंस एंड जस्ट टिक द राइट आंसर इन योर बुक ओनली दिस वन। ओके चिल्ड्रेन, वी विल मीट टुमारो।